हेलो हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माई प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो ऑर्गेनिक सब्जियों के ऊपर है, जो कि मैंने ये वाली सब्जी उगाई है वो भी 5 इंच का जो पाइप होता है प्लास्टिक का पीवीसी पाइप, उसके अंदर बहुत ही कम स्पेस के अंदर कैसे सब्जियाँ लगा सकते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर से फ्लावरिंग पर देखा था लगा के, ये मेरा 4 इंच का पाइप था, तो अब मैंने जो पाइप इस्तेमाल किया है 5 इंच के पाइप के अंदर ये सब्जियां लगाई हैं जो ये वाली, इसकी जानकारी पूरी आगे वीडियो के अंदर है, आप पूरा वीडियो देखें। दोस्तों ये वो 5 इंच का पाइप है जिसके अंदर मैं सब्जी लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने इसको कट करके दोनों तरफ से बंद कर लिया है एक शीट लगा के प्लास्टिक की, ताकि जो भी पानी बाहर ना जाए। बाहर पान जाने के लिए एक मैंने फिल्टर लगाया है इसके अंदर जो बिजली की पाइप से बना हुआ है, बिजली की पाइप आधा इंच से भी कम बोर की होती है वो वाली, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छेद करके मैंने कॉटन का कपड़ा लपेट दिया उसके अंदर, ताकि पानी ही सिर्फ बाहर जाए, ताकि मिट्टी ना बाहर जाए और ना ही पाइप ब्लॉक हो सके। तो इसका जो पानी वेस्ट बाहर निकलेगा उसको मैं तो फिर से इसके अंदर ही डालकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका खाद वाला पानी होता है। तो अब मिट्टी के ऊपर बात करूँगा, जो मिट्टी ली है मैंने ये काफ़ी ड्रेन सॉइल मिट्टी है जिसमें पानी रुकेगा नहीं, तो क्या कि इसके अंदर मैंने जैसे कि 2 किलो मिट्टी के अंदर 1 किलो मिट्टी और 1 किलो ये वाला जो मटेरियल इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जो गाय का जो हमारा गोबर होता है भैंस का वो वाला है, और बर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप अकेला ये भी ले सकते हैं, और ये लकड़ी का बुरादा है। वैसे देखा मैंने काफ़ी ज़्यादा कोको फीड इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैंने लकड़ी का बुरादा ही इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ मैं एक लेयर लकड़ी के बुरादे के ही फिर से बिछाऊंगा, ताकि ये जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे अपने अंदर, इसलिए इस तरह से ये एक फ़िल्टर का काम भी करेगा और मॉइस्चर को भी काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। जैसे कि ये देखें, ये वीडियो आपने पूरा देखना है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी सिस्टम समझ नहीं आएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे का जो भी अपडेट इसका मैं बनाऊं और इसके पार्ट बनाऊं और वो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये लो जी, ये हो गया हमारा नीचे एक पार्ट, एक लेयर, और अब ये मिट्टी मैं डाल दूंगा इसके ऊपर। ये 5 इंच का मैंने आपको बताया था ये पाइप है, मैंने इसके अंदर जो सब्जी लगानी है उसकी पहले सीडलिंग की थी। बाद में फिर मैंने, पहले मैं गमले में लगाने वाला था, मुझे ये पुराने जो पाइप मिल गए एक जगह से, तो मैंने क्या क्यों ना इसके अंदर ही लगाया जाए सारा कुछ। इस तरह से मिट्टी की लेयर अच्छी तरह से डाल दें। और ये वो सब्जी के पौधे हैं, छह पाइप पौधे लगाऊंगा एक पाइप के अंदर मैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप भी कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो करना ही होगा। इस टोटल ऑर्गेनिक मेथड है, मैंने इसके अंदर ना अभी तक ना कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है और ना ही मैं करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसे प्लांट लग जाएंगे और क्या करना है हमको, इस तरह से मिट्टी बराबर डालने।
क्योंकि ये मिट्टी ये पानी देने के बाद थोड़ा सा नीचे चले जाएगी, अपना जो इसका एयर गैप होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा इस तरह से पानी डाल देंगे हम इसके अंदर। दोस्तों हर बार मैं इसके अंदर अकेला पानी नहीं डालूंगा, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन जो पानी इसको ज़रूरत पड़ती है समय के हिसाब से खाद वगैरह वो पानी के अंदर ऐड करके डालता रहूंगा। इसलिए आप मेरा रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक और कमेंट ज़रूर करें।